संसद में जोरदार हंगामा हुआ है। सदन की कार्यवाही स्थगित होने के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी इस वक्त हमारे साथ हैं। प्रमोद तिवारी जी, आरोप लग रहे हैं कि विपक्ष सदन नहीं चलने दे रहा है। सदन में सरकार जवाबदेह होती है सदन के प्रति। हम वहाँ JPC की मांग कर रहे हैं, किस मुद्दे जिसमें 130 करोड़ भारतीयों की का हित है, स्टेट बैंक का पैसा, भारतीय जीवन बीमा निगम का पैसा, लाखों करोड़ रुपए अडानी जी को दे दिया गया और उनके शेयर इस तेजी से गिर रहे हैं, सारे नियमों की अवहेलना की गई। हम क्या कह रहे हैं, इसकी चर्चा करा लो, चर्चा करा के हमारी JPC की मांग मांगे। अब लोकशाही में तो नेता विरोधी दल जब बोलना चाहे बोल सकते हैं, या उनको नहीं बोलने दिया जा रहा है। इसी तरह अगर आप देखें तो अगर हम अपनी आवाज़ उठा रहे, नहीं उठाने दी जा रही है और सदन स्थगित कर दिया जाता है, तो ये तो पूरी तरीके से गलत हो रहा है, क्योंकि सरकार संविधान के मुताबिक सदन के प्रति जिम्मेदार। लेकिन राष्ट्रपति अभिभाषण पर, धन्यवाद प्रस्ताव पर महत्वपूर्ण चर्चा होनी है। सरकार ने कहा है कि अडानी मामले से उसका कोई लेना देना नहीं है, तो चर्चा तो होने दीजिए, आप अपनी बात रख सकते हैं। फर्क समझेंगे आप, यहाँ हम JPC की डिमांड कर रहे हैं, क्या राष्ट्रपति का भाषण पर करेंगे? यहाँ हम जो डिमांड कर रहे हैं एक स्पेसिफिक सवाल पे होगा, वहाँ तो पूरे देश के तमाम सवाल होंगे, वहाँ कैसे हम मांग रखेंगे? अब 3 दिन लगातार से हाउस नहीं चलने दे रहे, 2 घंटे की चर्चा नहीं कराना चाहते, सरकार की नीयत खराब है, क्योंकि बीमारियों में फंसी। तो मंगलवार से चल पाएगा सदन? ये कल सारे नेता बैठकर तय करेंगे, और एक बार फिर से बैठक होगी और विपक्ष अपनी रणनीति तय करेगा। लेकिन सदन में गतिरोध बना हुआ है और इसके लिए विपक्ष सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहा है। इधर सरकार ने सदन ना चलने को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा है। प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।